हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 4 इन आवर वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर द टॉपिक एडवांस वेब प्रोग्रामिंग। सो इस लेक्चर में हम यूनिट 2 के रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। कुछ टॉपिक्स हमारे बच गए थे तो उनको यहाँ पे हम कवर करके आज यूनिट अपनी फिनिश करेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स रिमेनिंग हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इस लेक्चर में इस यूनिट का कोर्स कंटेंट था, वो ये दो टॉपिक थे। फर्स्ट टॉपिक को हमने डिवाइड किया था फर्दर सब कंपोनेंट में, एंड एट द एंड द सेकेंड टॉपिक डिफरेंस बिटवीन वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर, ये इसमें रिमेनिंग था। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट, एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज एप्लीकेशन सर्वर। बेसिकली इट इज ए कंटेनर विच हैव एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज देन वेब सर्वर। बेसिकली वेब सर्वर के टॉप में हमारे एप्लीकेशन सर्वर बिल्ड होते हैं और उसमें कुछ एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज होती हैं। तो एज डेफिनेशन सेज इट कंटेन्स वेब सर्वर एंड ईजेबी कंटेनर, ठीक है? तो ये वेब सर्वर को कंटेन किया होता है एंड ईजेबी कंटेनर्स को कंटेन किया होता है, ठीक है? इट कैन बी यूज टू रन सर्वलेट, जेएसपी, स्ट्रट्स एप्लीकेशन। स्ट्रट्स इज ए जावा बेस्ड फ्रेमवर्क, ठीक है? जेएसएफ दैट इज जावा सर्वर फेसेस एंड ईजेबी, ईजेबी इज एंटरप्राइज जावा बींस। ये बेसिकली आपकी हैवी एप्लीकेशन में एक फुल प्रूफ एंटरप्राइज बींस बनाने के काम आता है, और ये वेब सर्वर में हम इसको रन नहीं कर सकते। उसके लिए एप्लीकेशन सर्वर पिक्चर में आए थे स्टार्टिंग में, मगर गोइंग फॉरवर्ड इनकी कैपेबिलिटी और इन्हांस की थी, ठीक है? तो जैसे जैसे जो आजकल एप्लीकेशन सर्वर आ रहे हैं उनमें उनकी कैपेबिलिटी इन्हांस होती जा रही है, ठीक है? इसको हम मिडिल टायर भी बोल सकते हैं। जो हमारा थ्री टीयर आर्किटेक्चर है उसमें इसको हम मिडिल टायर के रूप में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? इट प्रोवाइड द मिडिल वेयर सर्विसेस। ये मिडिल वेयर की जितनी भी सर्विसेज है वो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस, सिक्योरिटी फॉर डेटा परसिस्टेंस एंड डेटा एक्सेस। तो ये सारी की सारी मिडिल वेयर सर्विस जो हम अपनी एप्लीकेशन में यूज करते हैं कैन बी प्रोवाइडेड बाई एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है? इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक जेबॉस, ये ओपन सोर्स सर्वर है बाय जेबॉस कम्युनिटी। देन ग्लासफिश, दिस इज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम, जिसे अब ओरिकल ने एक्वायर कर लिया है। आफ्टर दैट वेब लॉजिक प्रोवाइडेड बाय ओरिकल, ओरिकल ने अपना वेब एप्लीकेशन सर्वर डेवलप किया है, दैट इज वेब लॉजिक। एंड एट देन वेब स्फीयर दैट इज प्रोवाइडेड बाय आईबीएम। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन सर्वर अवेलेबल है मार्केट में जिन्हें आप यूज कर सकते हैं फॉर ईजेबी डेवलपमेंट, ठीक है? ईजेबी डेवलपमेंट फॉर स्ट्रट्स बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट फॉर जेएसएफ, ठीक है? नेक्स्ट, तो इसका एक बार आर्किटेक्चर हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन सर्वर की बात करें तो एप्लीकेशन सर्वर वेब सर्वर के पैरेलल में ही लाई करता है, ठीक है? ये आपकी है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर मींस जो आपके ब्राउजर पर रन होती है, और इसको हम क्लाइंट लेयर भी बोल सकते हैं। जैसे हमने क्लाइंट बोला था जो कि ब्राउजर होता है, उसको हम प्रेजेंटेशन लेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है? आफ्टर दैट जो हमारा नेक्स्ट थिंग आती है वो आती है हमारा कंट्रोलर। तो जो आपका मिडिल टीयर होता है उसको हम कंट्रोलर भी बोलते हैं, ठीक है? और ये बेसिकली होता है आपका सर्वर। दैट कैन बी एनीथिंग, आइदर वेब सर्वर और आइदर एप्लीकेशन सर्वर, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन। तो आपने अगर लेट सपोज कोई यहाँ पर पेज बनाया है या कोई APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्रिएट किए हैं, वो बेसिकली आपके वेब सर्वर पे हिट मारते हैं, ठीक है? आइदर हिट आपकी वेब सर्वर पे जाएगी या एप्लीकेशन सर्वर पे। फर्क बस इतना है कि यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज होती हैं, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, कनेक्शन पूलिंग, देन ईजीबी कंटेनर। दीज आर द एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज प्रोवाइडेड बाई एप्लीकेशन सर्वर, ठीक
ठीक है, एंड एट द एंड आपका होता है एंटरप्राइज टियर, या हम इसको मॉडल भी बोल सकते हैं, जहां पे आपका डेटाबेस लाई करता है, देन आपका फाइल स्ट्रक्चर हो सकता है, और एनी थर्ड एप्लीकेशन यू कैन हैव. सो दीज आर द थ्री लेयर, वन सेकेंड दैट इज मिडिल टियर, एंड एट द एंड एंटरप्राइज टियर. तो जो आपकी मिडिल लेयर है वहां पे आपका एप्लीकेशन सर्वर लाई करता है. यहां पे आप वेब सर्वर को भी यूज कर सकते हैं इन केस आपको एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज अगर नहीं चाहिए. अगर आपको एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज चाहिए देन यू कैन यूज योर एप्लीकेशन सर्वर. व्हाट इट, नेक्स्ट देख लेते हैं. अब नेक्स्ट चीज आती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर. सो बोथ आर यूज्ड टू होस्ट जावा वेब एप्लीकेशन. दोनों के दोनों जावा बेस्ड वेब एप्लीकेशन को होस्ट करने के काम आते हैं. यहां पे आप कोई भी वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं और उनको अपने किसी भी वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर उस पर होस्ट कर सकते हैं. जो सबसे बड़ा डिफरेंस है यहां पे वो है ईजीबी का. एप्लीकेशन सर्वर में आप एंटरप्राइज जावा बीन क्रिएट कर सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं. ये हैवी एप्लीकेशन होती है, बेसिकली हैवी एप्लीकेशन है. इसका मतलब इसको रन करने के लिए आपको एक हैवी प्लेटफॉर्म चाहिए, दैट इज गिवन बाय एप्लीकेशन सर्वर. ईजीबी का जो फॉर्मेट होता है उसके लिए जो हम आर्काइव फाइल यूज करते हैं वो होती है एंटरप्राइज आर्काइव फाइल, एंड फॉर आवर वेब एप्लीकेशन वी कैन यूज वेब आर्काइव फाइल. ठीक है, तो जो ईजीबी बेस्ड एप्लीकेशन होंगी वहां पे हम डॉट ईएआर फाइल यूज करेंगे, एंड फॉर आवर बेसिक वेब एप्लीकेशन वी कैन यूज वेब आर्काइव WAR फाइल. ठीक है, इसके एग्जांपल हमने देख ही लिए, JBoss होते हैं, वेब लॉजिक, वेब स्फीयर, ग्लासफिश एटसेट्रा, वाइल द सिंपल वेब सर्वर एग्जांपल इज टॉमकैट. आजकल टॉमकैट भी एप्लीकेशन सर्वर की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमें प्रोवाइड करता है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर इन डिटेल. तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में एक बार देख लेते हैं ताकि थ्योरेटिकली आपका एक पर्सपेक्टिव बन जाए, देन हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू, वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वेब सर्वर आर ओनली यूज्ड फॉर सर्वलेट एंड जीएसपी बेस्ड एप्लीकेशन. अगर जावा के पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ सर्वलेट एंड जीएसपी बेस्ड एप्लीकेशन को रन करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं. बट इन एप्लीकेशन सर्वर यू कैन यूज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांजेक्शन बेस्ड एप्लीकेशन और ईजीबी बेस्ड एप्लीकेशन. डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन मीन्स क्या है यहाँ पे, मीन्स आपके मल्टीपल एप्लीकेशन आपस में बहुत हैवीली ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन सर्वर यूज कर सकते हैं. इन वेब सर्वर यू कैन ओनली हैव ए सिंगल कंपोनेंट, बट इट कैन हैव द एप्लीकेशन सर्वर, इट कैन हैव वेब सर्वर एंड प्लस ईजीबी कंटेनर. ठीक है, जैसे JBoss एग्जांपल है, JBoss में अपना वेब सर्वर भी होता है और अपना ईजीबी कंटेनर भी होता है. ठीक है, एट प्रेजेंट जो हमारा अपाचे टॉमकैट है या हमारी वेब सर्वर है वो एप्लीकेशन सर्वर के कुछ फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करते हैं. जैसे अपाचे टॉमकैट एट प्रेजेंट कनेक्शन पूलिंग की हमें सुविधा प्रदान करता है. कनेक्शन पूलिंग मीन्स वी हैव ए पूल ऑफ कनेक्शन, कितने कनेक्शन आप बना सकते हैं, कितने कनेक्शन आप मैनेज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कनेक्शन पूलिंग. यहाँ पे कनेक्शन मीन्स डेटाबेस से कनेक्शन की बात हो रही है, कि डेटाबेस से आप कितने कनेक्शन आ सकते हैं, प्लस आप सर्वर से सर्वर के बीच में कितने कनेक्शन आ सकते हैं. तो उनको मैनेज करने के लिए कनेक्शन पूलिंग नाम की एक सर्विस होती है जो पहले सिर्फ एप्लीकेशन सर्वर में मिलती थी, बट एट प्रेजेंट इन अपाचे टॉमकैट वी हैव कनेक्शन पूलिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है, बट इन एप्लीकेशन सर्वर अपार्ट फ्रॉम कनेक्शन पूलिंग वी हैव ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, वी हैव द फंक्शनैलिटी ऑफ मैसेजिंग, वी हैव द फंक्शनैलिटी ऑफ क्लस्टरिंग, लोड बैलेंसिंग एंड परसिस्टेंस. अब ये थोड़े वाइड कॉन्सेप्ट हैं. अगर की बात करें ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो किसी ट्रांजेक्शन को एटोमिक होना है, उसकी पूरी प्रोसेस
को डिफाइन करना है और उसको होल्ड करना है, तो ये सारी फंक्शनैलिटी आपकी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के थ्रू प्रोवाइड होती है। सिमिलरली मैसेजिंग, अगर दो एप्लीकेशन को आपस में कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए मैसेजिंग सर्विसेज आपके पास होती हैं, जैसे रैबिट एम क्यू है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ऐसे ही आपका JMS है, जावा मैसेजिंग सर्विस। तो मैसेजिंग मतलब अगर आपको किसी दो डिफरेंट एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, ठीक है। क्लस्टरिंग मीन्स, लेट सपोज आपको अपनी एप्लीकेशन में, आपको एक सर्वर यूज करते हैं और आप ये चाहते हैं कि मेरे सर्वर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, आपका एक सर्वर यहाँ पे है, दूसरा सर्वर यहाँ पे, और इनकी अपनी सब डिफरेंट लोकेशन हो, तो इन ये सारे के सारे कंपोनेंट सिमिलरली परफॉर्म करें, एक जैसा परफॉर्म करें, और अगर आपका ये सर्वर बंद होता है तो आपके आपका दूसरा सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को कैटर करे, दिस इज नोन एज क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो इससे ये होता है कि बेसिकली आपका इन केस अगर आपकी एक लोकेशन पे कोई डिजास्टर आ गया और दैट सर्वर इज डैमेज्ड, देन यू कैन यूज अदर सर्वर दैट इज रिसाइड्स एट ए डिफरेंट लोकेशन, ठीक है। किसी डिफरेंट लोकेशन पे कोई आपके पास सर्वर है तो आप उनको यूज कर सकते हैं, ये होती है क्लस्टरिंग की अप्रोच। सिमिलरली लोड बैलेंसिंग, इन केस अगर आपके एक सर्वर पे बहुत सारी हिट्स आ रही है और वो सर्वर आपके आपके ट्रांजैक्शन को कैटर नहीं कर पा रहा है, तो आप वहाँ पे एक और सर्वर यूज करना स्टार्ट कर देंगे। आफ्टर 100 ट्रांजैक्शन देर इज ए प्रोग्रामिंग लॉजिक दैट कि आप सेकेंड वेब सर्वर यूज करना स्टार्ट कीजिए। तो ये होती है लोड बैलेंसिंग, मतलब आपके लोड को बैलेंस करना है। एक सर्वर पे हिट आई, आफ्टर 100 हिट्स द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विल गो टू नेक्स्ट सर्वर, तो ये होती है लोड बैलेंसिंग। ऐसे ही डेटा परसिस्टेंस, कि डेटा को हमें परसिस्ट करके रखना है, तो उसके लिए फंक्शनलिटी प्रोवाइड करनी है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके एप्लीकेशन सर्वर बहुत ईजिली प्रोवाइड करते हैं, जबकि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके वेब सर्वर माइट भी प्रोवाइड कर सकते हो और माइट भी नहीं, बट जो आपके एप्लीकेशन सर्वर हैं वो तो प्रोवाइड करेंगे करेंगे, उनके लिए मस्ट है। अब एट प्रेजेंट अपाचे टॉमकैट कनेक्शन पूलिंग का कॉन्सेप्ट आपको देता है, ठीक है। तो ये आपके अपाचे टॉमकैट में मिलता है। अब लॉजिकल साइड की बात करें, जो वेब सर्वर आपका है वो HTTP प्रोटोकॉल पे काम करता है, ठीक है, जबकि जो आपके एप्लीकेशन सर्वर हैं वो आपके वेब सर्विस को भी हैंडल करते हैं, आपके बिजनेस लेवल सर्विस को भी हैंडल करते हैं, लाइक EGV। तो अदर देन HTTP, FTP, whatever is the approach you can use in your application server, ठीक है। वेब सर्वर इज ए लाइट वेट कंपोनेंट, बहुत लाइट वेट होता है, वाइल एप्लीकेशन सर्वर आर हैवी इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इसका साइज भी बड़ा होगा, प्लस ये आपके सर्वर के मीन्स सिस्टम के रिसोर्सेस को भी ज़्यादा यूज करेगा। माइट भी यहाँ पे जो आपका स्पेस ये ले, ये अराउंड 200 MB, 100 to 200 MB ले, बट हेयर इन एप्लीकेशन सर्वर इट कैन टेक द स्पेस ऑफ अराउंड 500 to 1 GB, ठीक है। ऐसे ही ये आपकी रैम ज़्यादा यूज़ करेगा और आपका जो वेब सर्वर है वो आपकी रैम कम यूज़ करेगा। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक हमारा रिमेनिंग था इस यूनिट से, तो उसको हमने कवर कर लिया। वो था बेसिकली व्हाट इज एप्लीकेशन सर्वर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर। तो ये हमने जो कॉन्सेप्ट था इसको फिनिश किया और इसी पे हमारी यूनिट 2 भी फिनिश हो चुकी है। तो आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे, जहाँ पे हम नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 को हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स, और प्रैक्टिस कीजिए, इसको दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए मैक्सिमम अपने दोस्तों को जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेश्चन है आपका, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंस अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।